हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। और जेके पुलिस कांस्टेबल का जो टारगेट आपने लेके चले हैं कि इस बार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में अपने लिए एक सीट आपको जरूर निकालनी है, उसके लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर चुके होंगे या स्टार्ट विद इन 1 or 2 days करने वाले होंगे। आप सभी के लिए जब से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट आया है, वैकेंसीज का अपडेट आया है, करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे बताया जा रहा है कि क्या क्या इस रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से इसकी तैयारी कर पाए। सिलेबस की वीडियो आ चुकी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो आ चुकी है, फिजिकल टेस्ट की भी वीडियो आ चुकी है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का आ रहा था कि सर हम एक बार प्रीवियस पेपर देखना चाहते हैं कि किस तरह का पिछली बार पेपर आया था, उसका PDF हमारे पास नहीं है, वो भी हम डाउनलोड करना चाहते हैं। उसके अलावा सर उसमें किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आज का वीडियो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो पूरा पेपर है, प्रीवियस पेपर या पूरा PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये लास्ट प्रीवियस पेपर है, इसमें आंसर्स भी लिखे हैं, आपको अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे गूगल में भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, राइट। लेकिन मैं पूरा पेपर क्वेश्चन वाइज आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, काफी आउटडेटेड पेपर है, काफी चीजें इसमें से अब तो पूछी भी नहीं जाएंगी आपको। लेकिन इस पूरे पेपर में आपके काम की चीज क्या है, वो ये है कि सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो एक आइडिया ले लें कि क्या लेवल रहेगा इस पेपर का। तो ये तो पेपर है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम इसमें डिस्कस ये कर रहे हैं किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए, राइट। अब पेपर आपको कैसे डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपने विजिट करना है careersuccessjammu.com वेबसाइट पर, ये करियर सक्सेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके अलावा यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्स के रिलेटेड डिटेल्स मिलती जाएंगी, जो भी आपके बैचेस आपने ज्वाइन करना है, सुपरवाइजर, नायब तहसीलदार, पटवारी, कॉन्स्टेबल, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको सबसे ऊपर सेक्शन मिलेगा नोट्स एंड PDF का। ये सेक्शन आपके लिए फ्री कंटेंट जो है, फ्री PDF, मॉक टेस्ट, ये वो सब कुछ इसमें रहेगा। यहाँ पहला लिंक आप देखें, यहाँ पे ऑलरेडी पेपर PDF अवेलेबल करवा दिया गया है। पिछली वीडियो जब हमने सिलेबस की लाई थी, काफी बच्चे सिलेबस के बारे में पूछ रहे थे कहाँ से डाउनलोड करें, वो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड सिलेबस हमने PDF डाल दिया है। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें, अलग अलग सब्जेक्ट्स की PDF, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस हो, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो पे, कॉन्स्टेबल का जो प्रीवियस पेपर था उसके बारे में। वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगली वीडियोस आपको किसके लिए चाहिए, प्लस एक बार ऑडियो चेक कर लीजिए। पिछली वीडियो भी मैं बना रहा था तो आधी वीडियो होगी बट उसमें ऑडियो ही नहीं आई थी, तो एक बार दोबारा वीडियो आपके लिए बना रहे, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता दिएगा ऑडियो कैसी आ रही है, ठीक है। ये अपनी स्क्रीन पे जो आप अभी देख रहे हैं बैनर या टेक्स्ट की फॉर्म में जो भी हमने यहाँ पे बनाया आपके लिए, ये आपके काम की चीज है। वो जो पूरा पेपर मैंने आपको दिखाया अभी, उस पूरे पेपर का जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ कंटेंट है, किस टॉपिक के, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आए, वो सारा यहाँ मैंने लिखा है। मैं इसको अभी एक एक करके डिस्कस करूंगा। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, इस बार जो आपकी प्रिपरेशन है जेके पुलिस कांस्टेबल की, काफी सारे बच्चे न्यू बैच जो स्टार्ट होने वाला है उसमें इनरोलमेंट करवाने आ रहे हैं, काफी दूर दूर से भी आ रहे हैं। फर्स्ट 50 सीट्स जो है ऑफलाइन बैच जो करियर सक्सेस का स्टार्ट किया जा रहा है, उसके रिलेटेड जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया जाएगा। इसकी इनरोलमेंट्स चल रही हैं, हाफ सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी है। आप J&K के किसी भी हिस्से से हैं, हॉस्टल PG की सुविधा भी आपको पास में अरेंज करवा दी जाएगी, डिटेल्स आपके सामने है। 50 सीट्स के लिए डिस्काउंट भी काफी ज्यादा हमने रखा है सिर्फ फर्स्ट बैच के लिए। बैच का टाइम सुबह का रहेगा 9 से 11 बजे का, 10 बजे का स्लॉट भी अवेलेबल है, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 10 से लेके 1 बजे का। बैच की डिटेल्स आपके सामने है, ज्वाइन करने के लिए विजिट करें करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, कैनाल रोड, जम्मू। पूरे J&K में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है, वो भी जम्मू में, और जम्मू में भी साइंस कॉलेज गेट के बिल्कुल ऑपोजिट। नंबर आपके पास है 9419145317। डेमो क्लासेस भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे, अब बात करते हैं, अगर सर आप हम घर से पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ऑनलाइन के 2 ऑप्शन हमने आपके लिए लाए हैं। एक है सिर्फ रिकॉर्डेड फॉर्मेट कि सर मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ वीडियो से पढ़ूंगा, मैं जॉब करता हूं, मैं ऐसी जगह रहता हूं जहां मेरे लिए लाइव क्लासेस पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट का कोर्स है आपका 999 का। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर मैंने लाइव क्लास पढ़नी है घर बैठ के, डाउट वगैरह भी पूछने हैं, वो आपका रहेगा 1999 का। इन दोनों कोर्सेज की डिटेल्स
डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दी है। साथ में एक चीज और, जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, इसमें एक हमने फॉर्म रखा है करियर सक्सेस की, जो भी आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं उस फॉर्म को जरूर भरिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर पाए। काफी सारे बच्चे कॉल मैसेज कर रहे थे कि हो सकता है उसका रिप्लाई ना आया हो, तो उससे आपका वो काम भी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम वापस अपनी इस वीडियो पे। मैं आपसे बात कर रहा था प्रिपरेशन की, मैंने बता दिया कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। इस बार प्रिपरेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि ये फर्स्ट एंड लास्ट आपकी रिक्रूटमेंट है जो जेके पीली कांस्टेबल की है, ऐसा दिमाग में लेके चले। अगर आपने इस बार कोई ढील छोड़ी, इस बार कोई वीकनेस रही आपकी, तो आपको फिर से 4-5 साल वेट करना पड़ेगा, इसका आप ध्यान रखना, क्योंकि बंपर रिक्रूटमेंट्स बार बार नहीं आती। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि सर हमने पिछला पेपर भी दिया था बट हमारी तैयारी नहीं थी, हम सेल्फ स्टडी कर रहे थे, हम सिर्फ वीडियोस से पढ़ते थे, यूट्यूब से पढ़ते थे। तो काफी सारे बच्चों ने कहा सर हमारा 30 स्कोर आया, 40 आया। कहने का मतलब, इसका मतलब वो आप सीरियसली प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देख ली, मैंने ना उसके नोट्स बनाए, ना कुछ, ना मैंने उसको रिवाइज किया, तो ना मैंने डाउट पूछे, तो फिर आपकी बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे आएगी। इसलिए इस बार अपना कोई भी वीकनेस ना छोड़े। अब ये जो स्क्रीन पे आप अपनी देख रहे हैं, हम अब डिस्कस करेंगे कौन से कंपोनेंट के, कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस पेपर में पूछेंगे। सबसे पहले पिछला पेपर जो था वो 100 मार्क्स का था और 100 ही क्वेश्चन थे और टाइम था 2 घंटे का, यानी कि टाइम वॉज मोर देन सफिशियंट। लेकिन जो सरप्राइजिंग चीज है, वो जो मैंने पूरा पेपर आपको दिखाया, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूं, ये जो पूरा पेपर आप देख रहे हैं, इस पूरे पेपर में आपको किस सब्जेक्ट के कितने टॉपिक्स के क्वेश्चन आए वो देखते हैं। जनरल साइंस के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, 15 से 20 क्वेश्चंस के आसपास ये थे। उसके जनरल साइंस में क्या क्या, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, बायो के क्वेश्चन, न्यूट्रिशन के बारे में पूछा है, सेल के बारे में पूछा है, और लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पूछा है, फिजिक्स के भी यूनिट्स के वगैरह क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चन, हिस्ट्री के 7 से 8 क्वेश्चन थे, जिसमें जेएंडके की हिस्ट्री के भी क्वेश्चन थे, इंडिया के भी प्लस जेएंडके भी। ज्योग्राफी के आपके 8 से 9 क्वेश्चन आए थे, जिसमें जेएंडके के रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। अब आप जानते हैं कि जब पुराना पेपर हुआ था तब जेएंडके की पॉलिटी भी पूछी जाती थी, जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता था उस टाइम में, पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, असेंबली के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, मिनिस्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे जो उस टाइम थे। तो पॉलिटी की वेटेज काफी कम लगी मुझे, 6 से 8 क्वेश्चन। उसके अलावा करंट अफेयर्स पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया उस वक्त, 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर पे पूछे गए। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग क्या रहा, वो था स्टैटिक पोर्शन। अब स्टैटिक पोर्शन क्या होता है, ये काफी सारे बच्चे छोड़ देते हैं। सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन का मतलब होता है जो आपको एक जनरल नॉलेज की फॉर्म में पता ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल जेएंडके की बात करें, जेएंडके के जम्मू और कश्मीर के आपको रिवर्स, आपको लेक्स, आपको यहाँ की इंडस्ट्री के बारे में, आपको यहाँ के पॉपुलेशन के बारे में, यहाँ के आप कह सकते हैं रोड्स के बारे में, यहाँ के आप कह सकते हैं किस तरह लोग रहते हैं उसके बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो रही हैं जम्मू कश्मीर की उसके बारे में, उसके अलावा यहाँ के डांसिस के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, उसके अलावा यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स के बारे में, उनकी अलग अलग जो एजेंसीज हैं उसके बारे में, इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उस वक्त, जैसे कि मैं आपको बताऊँ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, डांसिस के बारे में, अलग किसी स्टेट की कैपिटल के बारे में, अलग अलग कंट्रीज की करेंसी के बारे में, ये सारा आप कह सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, इसके अलावा जेएंडके से कोई अभी रिसेंट हैपनिंग हुई हो उसके बारे में, तो इस तरह की चीजें आपको सारी पढ़ के, ऐसे मैंने कुछ और भी है जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड्स हो गए, वर्ल्ड में क्या लेटेस्ट हैपनिंग हो रही है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पूछी गई अलॉन्ग विद करंट अफेयर, तो इसकी वेटेज भी काफी ज्यादा थी। फिर आ जाओ आप मैथ्स पे, मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन कंबाइंड वाज अराउंड 15 क्वेश्चंस, 15-16 क्वेश्चंस, 8-10 क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, 7-8, बाकी जो 7-8 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन है वो रीजनिंग। इसके अलावा इंग्लिश और फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश सेक्शन से क्या पूछा गया वो था आपका सिनोनिम्स, आप देख के चलो, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा स्पेलिंग्स के ऊपर 3-4 क्वेश्चन मैंने देखे आपके इस एग्जाम में। तो कहने का मतलब, सभी सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, सभी सब्जेक्ट से आपने एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यही क्वेश्चन आएगा। कहने का मतलब, आप सभी कंपोनेंट्स को जबरदस्त तरीके से तैयार करके जाएं। हो सकता है अगर इस बार जो सिलेबस आता है उसमें एग्जैक्ट बताया नहीं जाए कि कितने नंबर का मैथ है, कितने का रीजनिंग,
उस केस में क्या होगा कि हमें इक्वली इंपॉर्टेंट सबको लेके चलना है। लेकिन अगर वेटेज आ जाती है कि 10 नंबर का ये आएगा, 10 का वो आएगा, 10 का ये, मुझे लगता नहीं वैसा आएगा क्योंकि मुझे लगता है पिछले जैसा ही सिलेबस होगा, उस केस में फिर आप तैयारी पहले से शुरू करें ताकि ये जो इतना सिलेबस है आपके सामने ये आपका टाइमली कवर हो पाए। तो इस पूरे वीडियो में पिछले पेपर को आपने कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। पूरा पेपर एक बार आप भी गो थ्रू करिए, उसके अलावा कौन से टॉपिक से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। पिछली जो वीडियोस कांस्टेबल की आ चुकी हैं किस किस बारे में वो भी आपको बता दी। कमेंट सेक्शन में आप बताते जाइए किसके रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, वो भी आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी है, वहां से कर सकते हैं। करियर सक्सेस का ऐप डाउनलोड करिए जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस। जस्ट ए सेकेंड, करियर सक्सेस का ऐप आप जरूर डाउनलोड करिए, वहां आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे और फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा। माई क्लास बाय करियर सक्सेस, ये है एंड्रॉयड के लिए। अगर आप iOS यूज करते हैं, iPhone यूज करते हैं, आप डाउनलोड करिए क्लास प्लस ऐप, और जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे वहां आपसे कोड मांगेगा, वो आपको ये डालना है OPSIM। उसके बाद वहां पे आप फ्री कंटेंट सारा एक्सेस कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी है ऐप के ऊपर भी चैट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखेंगे, फिर भी जो आपकी क्वेरीज होंगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, अगली वीडियोस उसी के बारे में जरूर लाएंगे। इसको यहीं तक रखते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।